आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। माँ बेटी के रिश्ते में प्यार दुलार एवं हिफाजत के संघर्ष के किस्से तो हम सभी ने जानवरों तक के सुने हैं, लेकिन आज यह घटना माँ बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर मानवता को तार तार करते हुए चीख चीख कर बहुत कुछ कह रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की तहसील ग्वारा की, जहाँ एक माँ ने अपनी 12 वर्षीय बेटी पर बीती रात में सोते हुए धड़ाधड़ बार पे बार कर अनेक बार कर उसके प्राण ले लिए। वहीं बाजू में सो रहा मृतक के छोटे भाई ने भागकर अपने प्राण बचाए। पूरी घटना इस प्रकार है कि बड़ा मलहरा अनुविभाग के उप थाना ग्वारा में एक हत्यारी माँ ने अपनी 12 वर्षीय बेटी की कुल्हाड़ी मारकर निर्मम हत्या कर दी, जिससे बेटी पूजा हरवार की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना ग्राम पुत्री खेरा की है, जहां एक मां ने अपनी बेटी की कुल्हाड़ी मार मार कर बेटी की हत्या कर दी, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूत्रों के मुताबिक मां मानसिक रूप से कमजोर थी। हत्यारी मां की 12 वर्षीय बेटी एवं 10 वर्षीय बेटा सोमवार रात्रि को करीब 9 बजे सो रहा था। उसी समय मां ने कुल्हाड़ी उठाई और बेटी पर हमला बोल दिया। हमला ऐसा बोला कि एक नहीं करीब अनेक बार पूजा की गर्दन पर कुल्हाड़ी से बार पर वार किए, जिससे बेटी पूजा चिल्ला भी नहीं पाई। उसी समय 10 वर्षीय बेटा घर से भागा और मोहल्ला वालों को बुलाया, जब तक बेटी पूजा ने दम तोड़ दिया था। मौके से स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके से आरोपित मां को गिरफ्तार किया और शव को अपने कब्जे में ले लिया है। मौके पर पहुंचे DSO ने जांच की और शव का पंचनामा तैयार कर पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है। वहीं DSO डॉक्टर प्रदीप यादव ने बताया है पोस्टमार्टम के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी। पुत्री खेरा ग्राम में जो मामला सूचना में आया था वो चौकी ग्वारा के अंतर्गत है, जिसमें एक 13 साल की बच्ची लड़की है जो पूजा अहरवार नाम, जिसको किसी धारदार हथियार से अभी तक उसकी मृत्यु हो रही है। बाकी सबको PM हेतु भेजा जा रहा है, यथा शीघ्र PM उपरांत स्पष्ट हो जाएगी। जनता सेवा एक्सप्रेस के साथ ग्राम पुत्री खेरा से मुकेश यादव की रिपोर्ट।